ऑटो 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 हाय अंजलि, कहाँ जा रही हो? Come on, I'll drop you. नहीं, रहने दो. क्या हुआ? कल तुम्हारे साथ जो बिहेव किया उसके लिए तुम मुझसे नाराज हो गया? I'm sorry. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद वही करती. तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो. Okay, then come on. मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ. Okay, thanks. Congratulations. ऐसे क्या देख रही हो? सुना है अर्जुन के साथ शादी करने जा रही हो. पता है तुम बहुत लकी हो. बात पक्की हो गई क्या? क्या? तुम अपनी लाख कोशिश कर लो. मैं चाहूँ तो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन सकती हूँ. मेरा फैसला अटल होता है. सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है. ये बातें कहानियों में अच्छी लगती हैं. अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी और अर्जुन की शादी रोक सकती हूँ. अर्जुन को पाने के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है. मेरी मानो तो तुम्हें जिंदगी भीख में मिल सकती है. आखिर तुम कहना क्या चाहती हो रिया? अर्जुन को तुम भूल जाओ. उसे भूल जाओ. अर्जुन को भूलने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं. मैं भी वही चाहती हूं. तुम्हारे मर जाने के बाद वो तड़पेगा जरूर, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ मुझे तुम्हें देखकर होती है. ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, मैं अर्जुन को सब बता दूंगी. तुम जिंदा रहोगी तब ये बात उसे बताओगी ना? बच्चे की हालत कैसी है? वो सीरियसली इंजर्ड हुई है और बहुत सारा खून भी बहा है. 24 घंटे के पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते. पैसा चाहे कितना भी खर्च हो, किसी भी हालत में उस बच्चे की जान बचाइए. मैं पूरी कोशिश करूंगा. थैंक यू. सब ठीक हो जाएगा. रिया, कोई भी काम तरीके से किया करो. उसने होश में आने के बाद जुबान खोल दी तो सबके सामने मैं तुम्हारी जान ले लूंगा. टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? तुम उन लोगों को जानती नहीं हो और ये भी नहीं जानती हो कि वो उससे किस हद तक प्यार करता है. वो बचती है तो बच जाए, मैं उसे फिर से मार दूंगी. लेकिन मेरा हथियार बदल जाएगा. एक ही चाल में बाप और बेटा दोनों हलाल हो जाएंगे. वो कैसे? कहते हैं कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है. राजनीति मेरी कमजोरी है. मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूँ. That's my girl. This way. नहीं, हम लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं, राजी खुशी बात करने के लिए आए हैं. मेरे भाई, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी दुश्मनी दोनों मैं ठोकर खाने के बाद अच्छी तरह समझ गया हूँ. भाई क्या करूँ, मेरी मत जो मारी गई थी, मेरी कुर्सी चली गई तो तुम्हारी मदद से उसे वापस हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद वो मेरे पास कैसे रहेगी? वो तो किसी दूसरे नेता के हाथ में चली जाएगी ना. आखिर आपस में लड़ने से क्या फायदा है? हाँ भाई,
भाई बिल्कुल सच कह रहा है, अंजलि का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, उस भवानी शंकर ने ही करवाया। हाँ ये सच है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गुस्सा आने पर कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक देता हूँ, लेकिन दिल में कोई खोट नहीं है। आप मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए भाई। भाई वो लोग गलती पर गलती किए जा रहे हैं और ये देखकर मैं इस तरह खामोश नहीं रह सकता हूँ भाई, उसे आज ही मार डालूंगा। नहीं, गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। मैं हूँ उसकी एक गलती की वजह से आज अंजलि हॉस्पिटल में है और मेरे बेटे की यह हालत हुई है। Enough! अब इस खेल को यहीं पर रोकना पड़ेगा। अर्जुन बेटा, मैंने एक दिन तुझे हथियार उठाने से रोका था, आज मैं कह रहा हूं इस खेल का अंत कर। यह सिर्फ तू ही कर सकता है। चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन अब भवानी शंकर जिंदा नहीं बचेगा। वो कहीं भी हो। आसान नहीं है भाई, चलिए यहां से चलते हैं। मारने की कोशिश क्यों की? मैं तेरी जान। We'll be right back.
बेटा संभलो। ठीक है अर्जुन, तुम मुझे मार दो, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। तुम सोच रहे हो कि तुम अपने बाप को बचा रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे मार रहे हो बेटा। ए, अपने बाप को मैं कैसे मार सकता हूँ? हरिश्चंद्र प्रसाद ने तुमसे हर बात झूठ कही है, वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। वो तुम्हारा बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मेरे खून हो बेटा, तुम मेरे खून हो। क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? नहीं, अगर तुम मेरे बाप हो तो फिर मुझे मारने की कोशिश क्यों करते रहे? मैंने कभी भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की बेटा। मैंने दुश्मन की हर चाल को समझकर उसे उल्टा करने की कोशिश की है। मैं जब जेल में था बेटा, तब मैं तुम्हें देखना चाहता था। तब पता चला कि तुम्हारी नजर में मुझे दुश्मन बना दिया। तुम्हारी यादों में मैं कब का मर चुका था। अगर मैं मर गया होता तो तुम्हारी नजरों के सामने सारी सच्चाई को कैसे लाता? उस वक्त मैं सारी सच्चाई अगर बता देता तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। इसीलिए मैंने अंजलि को सारी बातें बताकर तुम्हें अपने पास लाने के लिए वो चाल चली थी। अंजलि मेरा काम करने के लिए राजी हो गई, फिर उसने तुम्हारे दिल में विश्वास जगाया। उसके बाद उसने काम करने से इनकार कर मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मैंने उसे भी ये नहीं बताया कि तुम मेरे बेटे हो। दौलत की लालच में अंधा होकर विष्णु प्रसाद जी के साथ हरिश्चंद्र प्रसाद ने तुम्हारी माँ को भी मार दिया और तुझे भी मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया बेटा। पर उसे मारने उसी के लड़के को क्यों भेजा? उसके हाथों से भवानी शंकर की मौत होने से हम पर कोई शक नहीं करेगा। उसे मारने के बाद अर्जुन जेल में सड़ेगा और अशोक के खून का इल्जाम भी उसके सर ही जाएगा। उसे मार कर मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। उस पर हर वक्त नजर रखने के लिए रिया को मैंने उसके पीछे लगाया। वो अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाई, इसीलिए भवानी को मारने के लिए उसके ही बेटे को भेजा। एक तीर से दो निशाना मैंने साधा है। अब वो वक्त आ चुका है कि अपने ही बेटे के हाथों गोली खाएगा भवानी शंकर। वो अर्जुन तुम्हारा बेटा नहीं, उसका बेटा है, ये वो जान गया तो? कम ऑन, वो भी मरेगा। समझ में नहीं आ रहा है कौन मरेगा।